दुख और संकट का सामना करते करते सुदामा थक चुके थे और भगवान से विनती करते थे कि हे प्रभु, आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती की थी, कितने दुख और संकट का सामना करना पड़ता है। मेरे बाल परिवार सब भूखे रहते हैं, आखिर मैंने ऐसी कौन सी भूल की थी आपसे कि आप मुझे इतनी बड़ी दंड दे रहे हैं। अचानक इस बात को सुनकर सुदामा की पत्नी सुशीला रानी कहती है कि हे स्वामी, आप इधर उधर क्यों भटकते हैं, आप अपने बचपन के मित्र कान्हा को याद कीजिए, हो सकता है वो हमारी समस्याओं का समाधान निकाल दें। अपनी पत्नी की बात सुनकर सुदामा जी को याद आया और वो द्वारिका की ओर चल पड़े। कहली उनका से सुशीला प्यारी नु हो, चले दिहले ओ यार के दुआरी नु हो। कहली उनका से सुशीला प्यारी नु हो, चले दिहले ओ यार के दुआरी नु हो। माथावा पवन हले बाड़े श्याम रंग के पगड़ी ना, तो चलल बाड़े सुदामा द्वारिका भीस के नगरी ना। देखी हालत उनकर दया आवे, नहीं मन कपड़ा तन पबावे, देखी हालत उनकर दया आवे। सटे नहीं देले द्वारपाल महल के कगरीन, तो चलल बाड़े सुदामा द्वारिका भीस के नगरीन। अपना आंसू से चरण उनकर धो दिहले, दिन दासा देखी कान्हा रो दिहले, अपना आंसू से चरण उनकर धो दिहले। पवन पुआ लम गुनावा गावे ले सगरीन, तो चलल बाड़े सुदामा द्वारिका भीस के नगरीन। के गठा
चलल बाड़े सुदामा।